और मैं एक बार तोड़ के दूंगा, मैं रहूं चाहे नहीं रहूं, मैं रहूं चाहे नहीं रहूं, संतपा पंचायत के लिए जब तक मेरी रगों में खून चलेगा और मेरे को सांस ले सांस लेंगे, मैं हमेशा आपके लिए 24 घंटे तत्पर रहता हूँ। मैं नेताजी मैं हमारे को तो चुनाव लड़ने हमारा क्या अच्छे लोग हैं, मेरे तो स्वयं से काम है, मेरे छोटे बड़े भाई आप, क्योंकि शनिवार को लोगों ने मेरे स्कूल में बच्चों को नहीं आने दिया, मेरी बच्चियां रोती हुई चिल्लाती हुई वापस चली गई, उन्होंने मेरी तैयारी को बाधित किया, किंतु मां सरस्वती के भी आशीर्वाद नहीं दिया। हम आपको एक और कि मेरा आगामी विजन क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ, हमें इन बच्चों की मेहनत इनका त्याग इनका समर्पण और आपके भोले भाले मन को देखते हुए मैं इस स्कूल में एनसीसी आर्मी मैंने भाई चला दी एनसीसी 50 लाख रुपए का प्ले ग्राउंड में मेरी 5 बीघा जमीन जो पीछे पड़ी है उसके 4 दीवारी बना करके और वहाँ 3 की बात है मतलब बस वही झगड़ो जो बस गांव वाला में हां वही जमीन जमीन वाला जो जमीन वाली जो मेन चीज है झगड़ो क्योंकि हमेशा हमारे पास का गुलाम है क्या है बेटी जी से नाराजगी क्या है गांव वालों को वो भी आपको बता किसी को कटा आया यस सर मैं आया आते मैंने वृक्षारोपण के लिए पेड़ लगाई ये 8,500 रुपए का एक पेड़ है ग्राफ्टेड प्लांट है जिनके फल लगने शुरू हो गए बच्चों ने फूल खाए इस सत्तू के फल लगे आपके पास ये पेड़ जब मैं लगा रहा था तो आपके ही गांव नाम ले रहा हूँ मदन जी कुमार ने मेरे साथ के लोगों से कहेगा वो सूखे यार घूमे जाएंगे तो 20-20 इनकम तो पेड़ ले आ जाए 6,500 को बिल बढ़ा लो अरे तुम्हारा स्रोत तुम्हारी निकट मदन जी कुमाऊं सरपंच ने मेरे को खुद ने बोला कि बेदी साहब वो काम करो ठीक जा रहे थे फिर तारीफ चेयर ले आओ टेबल ले आओ क्योंकि चेयर और टेबल जो प्रिंसिपल की नहीं ये बने जब स्कूल 5 मिनट का था 8 मिनट तब से आ गई साथियों मेरे ग्रामवासियों मेरे प्यारे बच्चों अगर वहाँ टेबल और चेयर अच्छी होती है तो इतने बड़े बड़े अधिकारी आते हैं आपका मान सम्मान बढ़ता ही नहीं और हम आपसे पैसा थोड़ी ले रहे तो ये पैसा तो मेरे को सरकार दे दी पैसा मेरे को सरकार दे रही आपकी जेब का पैसा लेकिन मदन जी घुमाओ क्या बोले अरे क्या ही चेयर है क्या ही टेबल है हर के तो पैसा हर के पैसा मांग लो मुझे मेरे पास उसके बाद ये ग्रामीण लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि साहब शिक्षा के मंदिर में लेटरिन बाथरूम बने लेटरिन बाथरूम बना रहे थे अरे मैंने कहा मैंने जब ये पूछे कैसे बना लेंगे बोला बना वाला और 4 दिन बीते और 4 दिन के बाद मां सरस्वती के मंदिर की दीवार तोड़नी शुरू कर दी और वहां इंटे बजरी गिरा दी मैं आया गाड़ी लेकर के अरे मैंने कहा ये क्या हो रहा है बोला साहब तोड़ रहा था अरे मेरे बगैर पूछे कैसे तोड़ रहे हो अरे तो सही बात सर आपने स्कूल की बिल्डिंग बना दी लेकिन मेरे स्कूल कर दी अब इसका मालिक मैं हूं जब तक मैं रहूंगा तो आप मेरे से बगैर बन नहीं सकती है भाया तोड़ू मना अरे बोला दूसरी बात मैंने कहा मत तो एक गांव है तरह आस पास का सरे तेरे घर सरे तो बढ़ावा नहीं तो बढ़ावा ना रुको सर चुप चुप के आ रहे मेरे पास सामने कोई नहीं आ रहा डरे अरे मैंने कहा नहीं बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा मैंने कहा बाबूलाल जी ये क्या हो रहा है नहीं बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा मां सरस्वती के मंदिर का पान है पर मैंने नहीं बढ़ने इसको नाराजगी इस बात की किंतु नाराजगी इस बात की है मेरे भोले भाले ग्रामवासियों जिन्होंने शिक्षा के मंदिर में लेटरिन बाथरूम नहीं बनने दिया नहीं बनने दिया नहीं बनने दिया इसके अलावा 2-3 बार यहाँ मेरे स्कूल के परिसर में 2-3 लोग शराब के नशे में मुक्त हो गए हो अरे प्रिंसिपल साहब से काई करो ना शट अप बन गए इनको ये गलत काम किया सही किया मेरे स्कूल में बच्चियां पढ़ रही है क्या मैंने गलत किया क्या सही किया सर सही किया मैंने सही किया प्रिंसिपल ऐसे तो नहीं करेगा लेकिन एक मेरी बच्ची के साथ ये दारू पीने अपमान कर दिया छेड़छाड़ कर दी बदमाशी कर दी
तो मैं इसी में जरूर मरेगा, इसे प्रिंसिपल बनने वाले जिंदा रहूँ। सही बात है। इसके बाद जना बाग बताने लाग रही है। इसके बाद जब मैंने ये देखा कि मामला सर के ऊपर से पानी निकल रहा है, मैंने इन बच्चों की सुरक्षा के लिए कैमरे लगा दिए। वो कैमरे लगे तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हुआ? कैमरे मैंने लगाए। लेकिन वो यहाँ जो दारू शराब इसलिए और मेरा छोटा नहीं हुआ, ग्राम पंचायत अनुपुरा का छोटा हुआ, मेरे ग्राम वासियों का छोटा हुआ, अनुपुरा वासियों का छोटा हुआ। मैं शराब दे रहा हूँ उन लोगों को जो कभी कामयाब नहीं होंगे। इसके साथ कहने को बहुत कुछ है, मेरे भाई लोग जो बड़े आर के सिंह अमर सिंह जी मेरा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए आदर्श नागरिक बनिए और प्रिंसिपल साहब का सहयोग कीजिए और कसम खाइए, हाथ उठा करके हम सभी सहयोग करेंगे, हाथ उठाइए कि हम जो है प्रिंसिपल का तह दिल से महिलाएं तह दिल से सहयोग कर ला, नो डेंजर है सर। अगर कोई प्रिंसिपल पे उंगली उठाएगा तो उस हाथ को जड़ से निकाल के फेंक दे। द्रोह है, राष्ट्रीय झंडे का अपमान किया, मेरा अपमान नहीं है, माँ सरस्वती का तो अपमान है, लेकिन सबसे बड़ा जो अमृतोत्सव हम मना रहे थे उस राष्ट्रीय ध्वज का अपमान के राष्ट्रद्रोही है वो। बड़े बड़े साहब सरपंच हो, सरपंच बड़े बड़े साहब तेरा से आता क्यों रहते हो तुम? अरे तुम मेरे को कह दो, उनको उनको कहो कि बेटी के गोली मारो, मरो ना। मेरी गाड़ी मारी कल परसों, मेरी गाड़ी को तो नहीं रोका, और ये छोटे छोटे बच्चे बच्चियाँ आ रहे थे, इनको हम बूस्टों ने रोक करके इनको वापस रोकते हुए कोई बच्चिया मेरे को फोन करी है, मेरे पास रिकॉर्डिंग, मेरे पास प्रूफ है, मेरे पास एविडेंस है, और अगर मैंने कार्रवाई कर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हो तो नहीं सीखेगी, नहीं सीखेगी। आप राजनीति उम्र में मत लाने दी, राजनीति का खड़ा मत बनाने दी, या बीजेपी कांग्रेस या आप वगैरह पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस और दूसरे मिल जाए सरपंच और सिस्टम से सरपंच जाटा का जने तो जाट जाट की बोल रहे हैं, बिना कोई जाति पाति या भेदभाव नहीं भाई, सरपंच ने कोई अधिकार को ना खुद की गांव की स्कूल छोड़ दिया को लेकर के।